ना ये कोई मंदिर है, ना ये कोई हॉल है, ना यहाँ कोई माइक है, ना कहीं तुम हो ना कहीं हमें, ये तो सिर्फ जागृत अवस्था की माया है, माया ये नहीं है। क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए, इसी बात को प्रूव करने के लिए वेदांत कहते हैं, जब आप सो जाते हैं, स्वप्ना अवस्था में चले जाते हैं, तो ये संसार विलुप्त हो जाता है, एक नया संसार उत्पन्न हो जाता है आपके विजन के सामने। सपने में ना ये हॉल है, ना ये मंदिर है, ना ये माइक है, ना ये टेबल चेयर, कुछ नहीं, दूसरा ही संसार कोई क्रिएट हो जाता है और उसमें आप उत्तेजित होते हैं। उस स्वप्न में, जिस संसार में आप विचरण करते हैं, उस संसार के हिसाब से आप उत्तेजना में चले जाते हैं। अगर अच्छा स्वप्न है तो आप प्रसन्न हैं, उठते भी हैं तो प्रसन्न उठते हैं, दुस्वप्न है तो आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक डिफरेंट संसार है। ये जागृत संसार विलुप्त हो जाता है, ये जागृत संसार पुनः उपस्थित होता है जब आप उस स्वप्न लोक से बाहर आके इस जागृत लोक में आ जाते हैं। तो अर्थात दो अलग अलग लोक है ना, ये इल्यूजन है या वो इल्यूजन है, दो में से कोई एक तो इल्यूजन है। तो जागृत अवस्था का इल्यूजन कहलाता है फिजिकल बॉडी इल्यूजन, क्योंकि जागृत अवस्था में फिजिकल बॉडी को हम मूव कर रहे हैं। स्वप्न अवस्था का जो इल्यूजन है उसे हम कहते हैं मनोमानसिक इल्यूजन, मन में हमारे जो स्वप्न आया, मन की दुनिया का इल्यूजन, सटल इल्यूजन, डीप स्लीप, अचेतन अवस्था। अचेतन अवस्था में तो कोई भी संसार नहीं आ रहा, ना ये जागृत संसार का इल्यूजन और ना ये स्वप्न के संसार का इल्यूजन। स्वप्न वाला क्योंकि अगर कई कई बार ऐसी नींद आती है जिसमें स्वप्न नहीं आता, तो कोई भी वर्ल्ड नहीं आ रहा आपके सामने, तो ये वर्ल्ड कहां चला जाता है? तब ये वर्ल्ड फिर से उपस्थित हो जाता है जब आप जागृत हो जाते हैं, क्योंकि उस गहन निद्रा के दौरान, उस अवचेतन स्थिति के दौरान जब आप गहन निद्रा में हैं, तो इस संसार की कोई भी घटना, कोई भी संपत्ति, कोई भी समृद्धि आपके मन को उत्तेजित नहीं करती, क्योंकि आप तो अवचेतन अवस्था में, आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, आग लग रही है कि पानी बरस रहा है कि बाढ़ आ रही है, परेशान होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि आप तो डीप स्लीप में हैं। वो संसार रिमूव हो गया आपके सामने से, वो इल्यूजन गायब हो गया। वो डीप स्लीप से जब आप बाहर आते हैं तब वो फिर से इल्यूजन आ जाता है, फिर वही परेशानियां शुरू हो जाती हैं, फिर वही वासनाएं घेर लेती हैं, फिर वही काम क्रोध मोह लोभ मह सब फिर से आ जाते हैं। डीप स्लीप में कुछ नहीं। तो ये तीन अवस्थाएं तीन अलग अलग बॉडीज को डिनोट करती हैं, और वेदांत कहते हैं कि इन तीनों का सम्मिश्रण जिस चरित्र में देखने को मिलता है जो इस पूरी माया को समझ लेता है वो ब्रह्म ज्ञान में लीन हो गया। उसे ना तो इस वर्ल्ड का कोई इल्यूजन डिस्टर्ब करता है, यह सर्वत्रान अभिस्नेयस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसे तो कोई फर्क पड़ी नहीं रहा, वो तो ब्रह्म ज्ञान में लीन हो गया। यहां पर ये माया वो माया,
कोई उसे फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस संसार में रहकर विचरण करते हुए जो उस तटस्थता को प्राप्त कर लेता है, उसे किसी प्रकार की अशांति नहीं घेरती, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, किसी तरह का कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन होता ही नहीं, क्योंकि वो सब टेंशन अटैचमेंट से है। जहां आप तटस्थ हुए, न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और वेदांतों की इस पूरी नॉलेज को अगर मैं लेटर ऑन वेदांतों से बहुत बाद में आए हुए एक चरित्र से डिनोट करना चाहूं, जो वेदांतों के बहुत बाद में आए, ये वेदांत बहुत पहले के हैं, लेकिन एक व्यक्ति, एक चरित्र ऐसा है जिसने इस पूरे वेदांतों के निचोड़ को समझ लिया, आत्मसात कर लिया, अपने चरित्र में पिरो लिया, तो वो चरित्र समझ में आता है हनुमान जी का। हनुमान जी ही एक ऐसा चरित्र दिखाई देते हैं पूरे अध्ययन चिंतन मनन करने के बाद मैंने जो पाया है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी चिंतन अध्ययन मंदन करके मुझे करेक्ट कर सकें तो जरूर कीजिएगा, कोई और ऐसा चरित्र आपके नजर में आ जाए तो बताइएगा। मैंने तो सिर्फ हनुमान जी को पाया है जिन्होंने ये तीनों मार्ग को साध लिया। आप विचार करेंगे तो पाएंगे एक ही ऐसा चरित्र है जिसने तीनों मार्गों को साध लिया। कर्मयोग भी उसी शिद्दत से किया, भक्ति तो असीम है, राम भक्त के नाम से जाने जाते हैं, और ज्ञान गुण सागर हनुमान जी को कहा जाता है। तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जिसने तीनों मार्गों को साध लिया, कर्मयोग भी। आप देखिए कर्मयोग क्या कहता है, कर्म करो पर डिटैच रहो, विदाउट एनी अटैचमेंट कर्म करते रहो, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हनुमान जी ने वही किया, लंका जा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, जड़ी बूटी ला रहे हैं, अटैचमेंट किसी चीज से है ही नहीं, ना मेरा कुछ जा रहा था, ना मेरा कुछ आना है, ना मुझे अचीवमेंट से कुछ करने मिलने वाला है। मैं लंका में आग लगा दूंगा तो मुझे कौन सी फायदा मिलने वाला है, ये जड़ी बूटी पहुंचा दूंगा तो मुझे तो खानी नहीं है। डिटैचमेंट, कर्म योग साध लिया, कर्म किए जा रहे हैं, कोई अटैचमेंट नहीं है रिजल्ट से। हनुमान जी को अपने चरित्र में उतार लीजिए, कर्म कीजिए, खूब कर्म कीजिए, अटैचमेंट मत रखिए, आप देखिए क्या अचीवमेंट्स होंगी, अद्भुत अचीवमेंट्स होंगी, जो आपने सोची नहीं वो अचीवमेंट्स होंगी हनुमान जी को हुई। हनुमान जी अपने जीवन में कहीं असफल नहीं हुए, पूरे चरित्र को देख लिए, कहीं असफलता हुई ही नहीं। हनुमान जी ही एक ऐसे हैं जो सब जगह सफल हुए, क्योंकि निष्काम भाव सिद्ध कर लिया। भक्ति मार्ग पर चले तो ऐसे चले कि रिकॉर्ड एस्टैब्लिश कर दिया, ऐसा कोई भक्त हुआ ही नहीं। सीता जी से पूछा कि ये मांग में क्या आपने लाल लाल भर लिया है, तो उन्होंने कहा भाई ये तो राम के प्रति भक्ति का प्रतीक है, मैं उनकी पत्नी हूं तो ये मैंने मांग भर ली, मतलब मैं उनके प्रति डिवोटेड हूं। उनने कहा अच्छा इससे डिनोट होता है क्या ये सिंदूर से, ला मैं पूरे शरीर में लगा लेता हूं। तो हनुमान जी सिंदूरी हो गए, आप सिर्फ यहां मांग में भर रहे, लो हमने पूरे शरीर में पोत लिया। भक्ति की असीम चरम भक्ति मार्ग साध लिया, तटस्थता के साथ। सीता जी को तो फिर भी अपेक्षा होगी, इतनी सी मांग भरी और अपेक्षा होगी रामचंद्र जी से कुछ, हनुमान जी को अपेक्षा कुछ नहीं थी, पूरे शरीर में पोत लिया, निष्काम भाव से भक्ति, हमें चाहिए कुछ नहीं। तो दूसरा मार्ग, तीसरा मार्ग ज्ञान मार्ग, ज्ञान गुण सागर। हर
दृष्टांत में आप देखेंगे कि जहां बल काम नहीं कर रहा वहां हनुमान जी ने बुद्धि से काम लिया। तो अगर इस पूरे वेदांत के निचोड़ को किसी चरित्र के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको शायद समझा पाऊं कि कैसा चरित्र बनाइए, तो हनुमान जी का एक आइडियल तो मैंने आपके सामने रख दिया। हनुमान जी की तरह कर्म कीजिए निष्काम भाव से, हनुमान जी की तरह भक्ति कीजिए निष्काम भाव से, हनुमान जी की तरह बुद्धि अप्लाई कीजिए ईगोलेस। ईगोलेस कैसे? कि जब सुरसा ने अपना मुंह फोड़ दिया, जब हनुमान जी समुद्र से लंका की तरफ जाना चाहते थे, तो सुरसा नाम की एक राक्षसी ने अपना मुंह खोल दिया कि मैं तुझे खाऊंगी। तो रामचरितमानस कहता है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी ने डबल साइज कर लिया, वो मुंह फालती चली गई, 100 योगन का मुंह कर लिया उसने। हनुमान जी को समझ में आ गया इससे तो पार नहीं पा सकते, इसको सरपास करके हम नहीं जा सकते। तो ईगो नहीं रखी, जहां बल काम नहीं दे रहा वहां बुद्धि लगाई, ज्ञान मार्ग, तुरंत छोटे हो गए।